नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। छत्तीसगढ़ में फोर्स ने 8 नक्सलियों को मार गिराया, एक जवान हुआ शहीद, 2 हुए घायल। लगातार 161 दिन में 141 माओवादी हुए ढेर। उत्तराखंड में हुआ बड़ा हादसा, अलकनंदा नदी में यात्रियों से भरा वाहन गिरा, 8 लोगों की हुई मौत। 23 पर्यटक वाहन में थे सवार, 15 लोग हुए घायल। गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में लगी भयानक आग, 3 फैक्ट्रियां जलकर हुई खाक, 12 फैक्ट्री कराई गई खाली। अब भाजपा की 4 सदस्य समिति करेगी बंगाल का दौरा, राजनीतिक हिंसा पर पार्टी अध्यक्ष को सौंपी गई रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून 4 दिन हुआ लेट, राजस्थान में प्री मानसून के कारण आंधी बारिश के आसार, वहीं यूपी के 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। दिल्ली में जल संकट के बीच कांग्रेस ने आप पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा, सड़कों पर किया मटका फोड़ प्रदर्शन। पंजाब की 2 बहनों पर अमेरिका में हुई फायरिंग, 1 की मौके पर हुई मौत, दूसरी गंभीर घायल। हमलावर ने 6 घंटे बाद हाथ खड़े कर किया सरेंडर। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बोले टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, कहा भाजपा का अहंकार और अभिमान धूल में मिल गया। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा सरकार ने बिजली के करीब 9.5 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल सरकार ने 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं का मासिक शुल्क माफ करने का फैसला किया है। आपको बता दें, हरियाणा सरकार 1 किलोवाट के कनेक्शन पर 115 रुपए मासिक शुल्क वसूलती है। हरियाणा सरकार ने 2024 के बजट में मासिक शुल्क हटाने की घोषणा की थी। बताते चले कि इस घोषणा को सरकार ने अब लागू करने का फैसला किया है। बिजली निगम के अधिकारियों ने बताया कि अगले बिल में मासिक शुल्क जुड़कर नहीं आएगा। सरकार ने यह फैसला उस वक्त लागू किया जब लोकसभा के नतीजे सरकार की उम्मीदों के विपरीत आए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सभी नेता एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। दरअसल इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निशाना बनाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जिन लोगों की सीटों का आंकड़ा मात्र 100 भी पार नहीं कर पाया और 3 अंकों में भी उनकी सीटें नहीं आई, वे लोग इस तरह की बातें ना करा करें। पीएम मोदी और एनडीए ने 303 सीटें लेकर तीसरी बार मजबूत सरकार बनाई है। कांग्रेस बौखला चुकी है, कांग्रेस के पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। अगली खबर मेवात फिरोजपुर झिरका से है, जहां फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे स्थित गांव शेखपुर में तड़के सुबह गौ तस्करों और गौ रक्षा दल के सदस्यों में गांव की तस्करी को लेकर मुठभेड़ हो गई और यहां तस्करों ने बजरंग दल के सदस्यों पर फायरिंग कर एक को गोली तक मार दी। वहीं घायल सदस्य को गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा गायों से भरी पिकअप और एक तस्कर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसमें हैरत अंगेज बात सामने ये आई है कि इस बार तस्कर मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू है। घटना के बाद पुलिस एक्शन मोड पर है। बताते चले कि घटना के बाद पुलिस के अधिकारियों ने एहतियातन क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। ये वही क्षेत्र है जहां विगत कुछ वर्षों से गो तस्करी को लेकर काफी विवाद पैदा हुआ था, इसीलिए पुलिस किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहेगी। जानकारी मिली है कि अभी इस संबंध में पुलिस द्वारा कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। पुलिस घायलों का बयान दर्ज करने के लिए गुड़गांव पहुंची हुई है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी अब विधानसभा चुनाव में जुट गए हैं। वहीं इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि सीएम सैनी आज त्रिदेव सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा हमें कांग्रेस के झूठा पर्दाफाश करना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव से पहले कहते थे कि सभी के खाते में 4 जून के बाद खटाखट 8,500 रुपये और साल में 1 लाख आ जाएंगे। उन्होंने लोगों के फॉर्म भी भरवाए हैं। सीएम ने कहा कि अब आप सभी को ऐसे लोगों के घरों में जाना है और उनसे पूछना है कि क्या 8,500 रुपये खटाखट आ गए हैं।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि हुड्डा ने सीएम नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि एससी ओबीसी और गरीब को शिक्षा देने से सरकार वंचित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सरकार करीब 5000 सरकारी स्कूलों को बंद कर चुकी है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा साजिश के तहत हरियाणा के शिक्षा तंत्र को बर्बाद कर रही है। उसका मकसद एससी ओबीसी और गरीबों को शिक्षा से वंचित करना है। शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े पदों और फीस बढ़ोतरी पर सवाल उठाते हुए हुड्डा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 5 गुना तक फीस बढ़ा दी गई, क्योंकि भाजपा गरीब दलित और पिछड़े परिवारों के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद करना चाहती है। इसीलिए फीस बढ़ोतरी के नाम पर विद्यार्थियों से खुली लूट की जा रही है। इस बढ़ाई गई फीस के फैसले को वापस लिया जाए। कांग्रेस के जिस नीति ने हरियाणा को शिक्षा का हब बनाया था, बीजेपी उसे बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।